तो जी देहरादून में एंट्री हो गई है और पता भी चलने लग गया ट्रैफिक को देख करके। तो अब हम लोगों का धनोल्टी का रास्ता लिया है हमने, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब कैसे हो रखा है। सारे में लैंडस्लाइड हो रखा है बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से। और कुछ ये चीज़ पहले जब मैं लास्ट बार धनोल्टी आया था तो इस तरीके का रास्ता नहीं था, इस बार तो ये बहुत ही बुरा हालत हो रखी है, पूरे में लैंडस्लाइड हो रखा है पूरे में। तो भाई लोगों आ तो गए धनोल्टी वाले रास्ते से ऊपर सहस्त्र धारा से पकड़ते हुए धनोल्टी के लिए, मगर सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ी सरदर्दी ये हो गई कि भाई यहाँ जो भी रिसोर्ट और होटल्स हैं इस टाइम पर ओवर प्राइज्ड हैं और वो भी खाली हैं। ओवर प्राइस का मतलब जो 3,000 की चीज़ है वो 5,000 6,000 7,000 तक मिल रही है। तो यार अब 7,000 रुपये थोड़ा ना देंगे यहाँ पर होटल के। तो हम लोग भाई अब यहाँ से वापस आगे की तरफ बढ़ते हुए धनोल्टी जा रहे हैं। अब धनोल्टी में अगर कुछ मिल जाएगा रात को 11 बजे पहुँच के तो ठीक है, वरना मसूरी अगर वहाँ पर भी नहीं मिल रहा तो वापस यमुनानगर। तो ये अब हमारा आज का टारगेट है। खाने का हमारे पास सामान है, रोटी नहीं है, सब्जी है, अंडे हैं, सब कुछ है। तो अगर मैगी है सब कुछ है, चाय बना लेंगे अगर लास्ट में ज़रूरत पड़ी तो, जानवरों से बच के, क्योंकि अगर हम बाहर उतरते हैं तो जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। आनंद चौक आगरा है अब हमारा और मोटा पुल है जो कि 15 किलोमीटर है, तो मतलब 25-30 मिनट का रास्ता है मोटा पुल का, वहाँ शायद कुछ मिल जाएगा चांस है। तो भाई जी अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं दोनों जने, ये कैंप है, कैंप है, हम लोग इस तरीके से ना कैंप में स्टे करेंगे आज, क्योंकि और सब कुछ तो मिला नहीं और फिलहाल यहीं रुकेंगे। तो हाँ सही है, तो आज का हमारा स्टे यहीं का होगा। तो कुछ इस तरीके का रिसोर्ट है, मनु जी की लग गई कैप। ये हमारा कैंप है, ये टेंट्स लगे हुए हैं पीछे हमारे, और इस साइड में ये रिवर है, ये यहाँ पर पीछे की तरफ में, तो मॉर्निंग में इसका दर्शन होगा। लोकेशन बहुत अच्छी है नो डाउट, और किचन भी है यहाँ पर, ये सर्व करने का गेस्ट वगैरह को, पीछे किचन है, ये देखिए ये सारा बुफे वगैरह का पूरा अरेंजमेंट है यहाँ पर, टीवी भी लगा हुआ है, सब कुछ है। तो अच्छी जगह है, थोड़ा लेट हो गए, टाइम से आते तो अच्छा लगता। तो भाई आज हो गया कुक चेंज, आज बन गए मन्नू साहब कुक और हमारा काम चालू स्टार्ट हो गया है। ये मन्नू साहब का वो है स्टार्टिंग, और ये हमारा अरेंजमेंट है पूरा, बहुत बड़ा आपका टेंट है, 3 बेड है पूरे, छोटा वाला, 2 बड़े वाले डबल बेड, और हमारा खाने पीने का पूरा सामान है, ये देखिए ये वॉशरूम है पूरा, इन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर कर रखा है वॉशरूम का, टेंट बस केवल इन्होंने वैसा बना रखा है। तो मनु भैया हमारे लगे हुए हैं, काम चालू हो गया है, खाना बन रहा है हमारा। तो भैया बाहर का हमने पैक कर दिया बिल्कुल बंद, भाई जानवर वानवर का डर रहता है, कई बार डॉग्स वगैरह तो आ ही जाते हैं, कोई और ज़्यादा बड़ा जानवर आ जाए तो उससे बेटर है अपना इसके बंद कर दो भैया। तो हमने बंद कर दिया अब अपना टेंट, चारों तरफ से कवर्ड है, खाना बन रहा है, खाना खा करके उसके बाद सोने की तैयारी है। लेट हो चुका है बहुत, इट्स 11, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग ऑल। तो फ्रेंड्स अब यार यहाँ पर हैं, कुछ नज़ारा इस तरीके का है, ये देख लीजिए, ये देखिए ये है यहाँ का एक्चुअल सीनिक व्यू, सीनिक व्यू है ये पूरा, मतलब
इतना बढ़िया झरना भी है, आपका पहाड़ है, ये देखिए। यहाँ पर खेलने वगैरह के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के लिए लोग आते हैं तो उनके लिए पूरा है अरेंजमेंट। ये मनु भाई हमारे उठ गए हैं, हम लोग अब निकल करके तैयार होकर के रेडी हो गए, अब निकलते हैं वापस। 11 बज रहे हैं, लेट हो गया काफ़ी, रात में बहुत थक गए थे, तो अभी जस्ट निकलेंगे। तो अब जस्ट 15-20 मिनट पहले निकल गए थे हम। तो ये है धनौल्टी का रास्ता जिससे अब हम निकल रहे हैं, और हम जो कैंप में रुके थे वो एक पुल के पास में पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली धनौल्टी की टोटल चढ़ाई का 35 किलोमीटर ऊपर आ करके देहरादून से शहर सितारे वाले रास्ते से वहाँ पर एक कैंप पड़ा था, तो वहाँ हम लोग रुके थे। तो अब नीचे जा रहे हैं, गाड़ी में 3 पॉइंट बचे हुए हैं डीजल के, और गाड़ी अभी तक 508 किलोमीटर चल चुकी है, जो कि मैंने लास्ट लुधियाना के पास में तब मैंने वहाँ पर डलवाया था लुधियाना पर। तो अब 508 किलोमीटर चल चुकी है, अभी अप्रॉक्सीमेटली और नीचे तक जाने में हमारे को 41 किलोमीटर लग जाएगा, तो देहरादून में जाकर के डीजल डलवाऊंगा। तो अब देखता हूँ कि कितना चलिए ये, क्या एवरेज निकाला इसने, और इसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास किलोमीटर पहाड़ की ड्राइव करी थी, बाकी तो सब नॉर्मल प्लेन्स का था, थोड़ा बहुत लोकल का था जो लुधियाना में चली थी, यमुनानगर में थोड़ा लोकल चली थी, देहरादून में चली थी काफ़ी, तो मिक्स कॉम्बो टाइप का था। तो आई गेस कि 12 का एवरेज आ जाना चाहिए इसका। तो मनु जी, हाँ जी, कुछ बता दो जी, क्या कुछ बताना चाहते हो? तो बिल्कुल आप कुछ, हाँ जी, आपकी ऑडियंस से तो यही है कि जब भी आप आओ यहाँ पे, एक तो टाइम निकल के आओ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन टू विजिट। देखिए सबसे बढ़िया एक डायलॉग मनु जी ने बोला कि वैसे तो पहाड़ बहुत शांत होते हैं, बट जब अशांति फैलाने पे आते हैं तो अच्छे से अच्छों की खराब कर देते हैं। तो भाई पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, डीजल डलवा रहे हैं, और ये देखिए इस टाइम पे 12,187 है रीडिंग, और ये मेरी टोटल रीडिंग है अभी तक 1241, ठीक है। और ये अभी तक की गाड़ी की ड्राइव है जो लास्ट डीजल डलवाया है उससे अब तक, तो 545, और अब मैंने डीजल डलवाया पंप पे ही हूँ, ठीक है, देहरादून में। और ये मेरा टोटल आया है 47.69, यहाँ है रीडिंग 545। तो जी अब मैं यहाँ से चल दिया, डीजल डलवा दिया, अब आप टोटल देख सकते हो कि मेरा जो ड्राइव हुआ वो 545 किलोमीटर्स की ड्राइव हुई ओवरऑल, और ओवरऑल 45 किलोमीटर की ड्राइव में हमारा 545 किलोमीटर की ड्राइव में हमारा जो डीजल लगा, जब मैंने डीजल डलवाया 47.69 डला, तो 47.69 में मेरा मोटा मोटी ये मान के चलिए कि जो एवरेज आया है वो 11.5 का आया, तो मैंने आपको बोला था 12 के आसपास आ जाएगा, तो 11.5 आया है, और उसमें मतलब फर्स्ट और सेकंड पे चढ़ा गाड़ी यहाँ पर, ये जो धनौल्टी वाली है, तो उसमें 11.5 का एवरेज, और सिटी भी थी लुधियाना में भी सिटी में चलाई थी काफ़ी, और यहाँ यमुनानगर में भी चलाई थी सिटी में, देहरादून में काफ़ी ट्रैफिक था उसमें भी चला, तो 11.5 का एवरेज है। अब आप ये देखिए, ये सेकंड फर्स्ट सर्विस के बाद का एवरेज है, तो जो मैं अभी तक इससे एवरेज जो देख रहा था, अज्यूम कर रहा था कि सिटी और इस टाइप के जो ड्राइव्स वगैरह के बाद है वो 10 तक का एवरेज दे रही थी, ये फर्स्ट सर्विस के बाद ही 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का इसका एवरेज बढ़ चुका है, चाहे वो हाईवे वाली एवरेज को काउंट कर लो आप,
चाहे वो लोकल वाले एवरेज को काउंट करो। तो अब अगर हाईवे में ये प्लेन हाईवे पे अगर आप इसको कंटिन्यूस चलाओ तो ज़्यादा देगा। तो ये रास्ता है जो शिमला, यमुनानगर, पांवटा साहिब, अम्बाला, चंडीगढ़ सबके लिए जाता है। रास्ता भी अच्छा है, टूटा टाटा नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक रास्ता है। और अगर देहरादून से आपको यमुनानगर और अम्बाला शिमला वगैरह की साइड जाना है तो ये रास्ता चूज़ कर सकते हैं आप, रादर गोइंग विद द हाईवे जो सहारनपुर वाले साइड से जाता है वो वाला जो हाईवे है उस साइड का, क्योंकि वहाँ एक तो अननेसेसरी का 170 रुपीस का टोल पड़ता है और रास्ता भी अभी जो है उतनी अच्छे तरीके से बना हुआ नहीं है, बीच में काफ़ी जगह टूटा टाटा पड़ता है, उससे तो बहुत बेटर है ये। और डिस्टेंस अगर आपको यमुनानगर जाना है तो वहाँ का और यहाँ के डिस्टेंस में 15 से 20 किलोमीटर्स का अंतर है, ये कम है वो ज़्यादा है। और रास्ता इतना खूबसूरत है, अच्छा है और बहुत नीट एंड क्लीन है, मतलब आप आराम से शीशे खोल करके भी गाड़ी चला सकते हो। तो अब निकल चुका हूँ मैं यमुनानगर से अपने फ्रेंड को छोड़ करके मनु को। अब हम लोग यहाँ से भाई नोएडा के लिए 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है और 220 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो अभी मेरी गाड़ी जो है जब से हम लोगों ने स्टार्ट करी है ट्रिप नोएडा से अराउंड 1362 किलोमीटर, 1362 किलोमीटर चल चुकी है, 900 किलोमीटर का और रास्ता है। तो अंदाजन हमारा कितना पड़ जाएगा अभी 1562 किलोमीटर, यानी कि 1550 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलेगी। 6 दिन के अंदर 1550 किलोमीटर चली है हमारी गाड़ी। टोटल ओवरऑल अभी तक जो गाड़ी का वो आया है वो 11.5 और 12 के बीच का एवरेज बना है। अब मैं टोटल अपना करूँगा जब मैं अब लास्ट स्टॉप करूँगा नोएडा के अंदर, तो वहाँ मैं डीजल रिफिल करूँगा और तब मैं चेक करूँगा कि मेरा टोटल ओवरऑल डीजल का क्या आया है, कि मेरा कितनी कॉस्ट लगी है आने जाने में ये 1650 किलोमीटर्स को कंप्लीट करने में। और सबसे मेन चीज़ कि 1650 किलोमीटर कंप्लीट करने में मेरा डीजल कितना लगा, सो दैट आई कैन कैलकुलेट द एक्चुअल फिगर कि मेरा एवरेज कितना आया है, तो वो एवरेज तभी पता चल पाएगा। भाई रात हो गई है, अंधेरा स्टार्ट, क्या टाइम तो ज़्यादा नहीं हो गया, रात क्या हो गई है अभी 6 बजे, मगर अंधेरा हो जाता है स्टार्ट। तो अभी जस्ट मैंने टोल क्रॉस किया है, ये टोल सहारनपुर के पास का कोई टोल है, ठीक है, ये अभी जस्ट क्रॉस किया है मैंने। मैं अभी यहाँ नोएडा पहुँच चुका हूँ और मैंने अभी डीजल डलवाया है, जस्ट मेरी जो आज की रीडिंग है वो ये है और टोटल रीडिंग अभी तक ये हुई है 1584.6। और जो मैंने मॉर्निंग में देहरादून में डीजल डलवाया था उसके बाद ये टोटल आज अभी तक चली है, अभी मैंने डीजल फुल करा लिया है और मेरा जो डिफरेंस आया है उसके अकॉर्डिंग मेरी गाड़ी ने एवरेज दिया है 13.73। अब मुझे नहीं पता मैंने इसमें पांवटा साहिब, देहरादून ये सब ड्राइव करके यहाँ पहुँचा हूँ उसके बाद ये मेरा आज का एवरेज आया है। ये कुछ आज अभी की है, ये 24 आप देख सकते हो, ये 24.67, 340 कार ने टोटल चली है और उसके लिए मुझे 24.67 डीजल लगा है। तो डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग मेरा जो एवरेज आया है, जो डीजल का जो एवरेज आया है कार का, वो अप्रॉक्सीमेटली 13.73 आया है, जिसमें मैंने देहरादून से लेकर के अपने घर तक की जर्नी करी है और उसमें देहरादून का हाफ सिटी कवर करा था, क्योंकि देहरादून के सिटी के बीच में मैंने डीजल डलवाया था तो हाफ सिटी कवर किया था। पांवटा साहिब का पूरा रास्ता जो कि थोड़ा सा हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की स्पीड पर चलेगा क्योंकि वहाँ पर भी माउंटेन रेंजेस थी तो चढ़ाई भी थी थोड़ा बहुत, और उसके बाद भी बीच में कहीं थोड़ा बहुत ट्रैक जो जंगल का था वो पूरा
टूटा फूटा था, खराब था, तो वहां पर भी थोड़ा सा हल्की चली थी। तो मतलब कोई बहुत ज्यादा हाईवे नहीं, बस टोटल हाईवे जो आया था मुजफ्फरनगर के रास्ते से लेकर के यहाँ तक था, बीच में था। तो 340 में से अप्रोक्सीमेटली 300 से कम, मतलब 280 के आसपास मेरा हाईवे ड्राइव थी। और उसके बाद मेरा 60 किलोमीटर के आसपास का ये सिटी और ये सब मिला करके, यमुनानगर भी गया था, यमुनानगर में छोड़ा फ्रेंड को, तो वो सब भी था उसके। बल्कि यहाँ पर उसके घर तक गया था, घर से पहले उसकी फैक्ट्री गए थे, तो वो सब। उसके बाद ये मेरा एवरेज आ रहा है 13.73, तो आफ्टर फर्स्ट सर्विस।